हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाव भाजी के लिए हम एक कुकर लेंगे। कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जो आप रोज सब्जी बनाते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालना। तो देखिए, जीरा हमने अच्छे से डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से चटपट चटपट होने लग गया है। अब ये चटपट होने लग गया है तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच जो पाव भाजी का मसाला आता है ना मार्केट में, बहुत सी कंपनी का होता है, तो वही हम इसमें एक चम्मच भर के डाल देंगे। जब हम इसे तेल में डालते हैं ना तो ये इसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ही ताज़ा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये पैकेट में पैक होता है। अब हम इसके बाद इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पर हमने 3 से 4 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, उसे हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट होने तक चलाते रहेंगे। उसके बाद हमने इसमें ली हैं, आज हमने ली है गोभी, और यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं, और चुकंदर है हमारे पास, गाजर है। अब हम सभी को कुकर में ऐड कर देते हैं। इसे हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है और ज़्यादा बड़े भी नहीं काटना है, क्योंकि जो हम भाजी बना रहे हैं तो उसमें क्या है, सभी चीज़ें आपस में मैश हो जाती हैं बाद में। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कुकर में ऐड कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर हमने चुकंदर भी लिया है, एक चुकंदर लिया है, जिससे जो भाजी का कलर है ना इतना अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, थोड़ी सी गोभी ली है, और यहाँ पर मैंने ली है गाजर। देखिए, चुकंदर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ना भी डालें, पर इससे क्या है, चुकंदर से जो आपका भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और तो और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। चलिए हम सभी को अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, ये तेल में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। इसे हमें मिलाना है थोड़ी देर। इसे मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक तो हम इसमें बाद में भी डालेंगे जब हम भाजी बनाएंगे, तो थोड़ा सा नमक हम इसमें अभी से ऐड कर देते हैं। अगर आप भाजी कम बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच नमक बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा नमक डालिएगा, क्योंकि नमक तो स्वाद अनुसार है, इसलिए आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक को हमने सभी दूर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर हमने ली है यहाँ 4 मिर्चियाँ। मिर्ची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा होता है, वैसे यहाँ पर हम अलग से मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने ऐड करी है, क्योंकि मटर का सीजन चल रहा है, तो मटर हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। मटर का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए, हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालते समय आपको बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना है कि ना ही ज़्यादा पानी डले और ना ही कम हो, क्योंकि हम जो पानी है इसे फालतू में फेंकेंगे थोड़ी ना, इसे हम बिल्कुल यूज़ करेंगे अपनी भाजी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। अब जब तक हमारी सब्जियां बन रही हैं, तो हमने डाला है कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल। उसमें हमने ये जो शिमला मिर्ची होती है गोल वाली, वो हमने ले ली है, उसे हम डाल देते हैं तेल में। हमारा तेल गरम हो गया है, उसमें हमने डाली है शिमला मिर्ची। यहाँ पे हमने 2-3 शिमला मिर्ची ली है, जिसे बारीक काट लिया। शिमला मिर्ची को आपको बिल्कुल बारीक ही काटना है। अब हम उसमें ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज भी यहाँ पर हमने भर भर के ली है, बहुत ही टेस्टी, इसका जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर प्याज को और जो शिमला मिर्ची है उसे हमें कुरकुरा होने तक बढ़िया ऐसे तेल में तलना है, सेकना है कम से कम 5-10 मिनट, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक हमने पहले सब्जियों में भी डाला है, इसलिए थोड़ा ही डालें। और यहाँ पर हमने ये डाला है रेड चिली पाउडर।
जो लाल मिर्ची पाउडर होता है 2 चम्मच वो डाला है हमने, और यहाँ पर हमने जो पाव भाजी का मसाला है वो भी ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने जो सारे मसाले हैं ऐड कर दिए तेल में ही। और ये हमने ऐड किया है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, बहुत ही सभी मसालों को मिलाकर अच्छे से तेल में इसलिए डालते हैं, पता है क्यों, तेल में डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, जो उनकी सब ताजगी होती है ना वो फिर से एकदम फ्रेश हो जाती है, इसलिए हमने इसे सभी को तेल में ही ऐड किया है। और यहाँ बातों ही बातों में मैं इसमें जो है कस्तूरी मेथी होती है ना वो डाल देती हूँ, कस्तूरी मेथी अगर आप डालना चाहें तो वैसे डाल सकते हैं, पर इसका टेस्ट भी ना बहुत ही अच्छा आता है, आप जब भी भाजी बनाइए तो कस्तूरी मेथी डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अगर आप नहीं डालते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो हरा धनिया है वो भी मैंने तेल में ही ऐड करा है, क्योंकि तेल में डालने से सभी चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो मैंने है हरा धनिया भी इसी में डाला है, अच्छे से इसे मैं 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाऊंगी, क्योंकि लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है वैसे ही। अब इसमें मैं आधा नींबू डाल देती हूँ, और बाकी का नींबू जो मतलब हम बाद में सर्व करते टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर से डाल लेंगे, अगर हम पूरा डालेंगे तो हो सकता है खट्टा भी हो जाए, इसलिए नींबू का जो रस है आप थोड़ा ही डालें, इसलिए यहाँ पर हमारी भाजी भी ज़्यादा है तो हमने आधा नींबू का रस डाल दिया है, और हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे पका लूँगी मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, पकाने की कोई जल्दी नहीं है, जितनी ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे पकेगी धीरे धीरे उतना ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो आज की जो भाजी बहुत ही स्पेशल है, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसमें जो आप देख रहे होंगे आसपास से जो रेड रेड आपको दिख रहा है, मसालों में से तेल छूट रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना हाँ भाजी बनकर तैयार होने वाली है। तो देखिए इतनी ही देर में हमारी कुकर की सीटी भी हमने निकाल ली है, और हमारी सब्जी लगभग बिल्कुल पककर तैयार है, देखिए ना गोभी का तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि गोभी कहाँ गई है। तो देखिए मैं आपको मैश करके बताती हूँ, आलू भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए हैं, गाजर भी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ मैश हो गई हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। तो जो हम हमारी सब्जियां हैं उसे डाल देते हैं हमारी कढ़ाई में, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, इसमें हमने आर्टिफिशियल कोई भी कलर ऐड, फूड कलर ऐड ही नहीं किया है, ये सब हमने लिया है चुकंदर से, चुकंदर से इतना अच्छा कलर आ रहा है ना इसमें, बहुत ही अच्छा। तो इसमें हमने जो सब्जियां ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिए, उसके बाद ये दिक्कत आती है ना कि हम मैश कैसे करें, घर पे कैसे मैश कर सकते हैं, बाहर तो होटलों में तो सभी के पास होता है, या कई घर में नहीं होता है, तो हमारे पास जो सभी के घर में दही फेंटने की होती है तो उससे हम अच्छे से मतलब मैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मैश करना है, इसी की सहायता से आप अच्छे से मैश कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास मैशर नहीं है, आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है, तो आप दही चलाने की इससे आप अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं, अब हम क्या करते हैं, मैश करने के बाद हमारा जो आलू है सभी उसमें बहुत गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे, जिससे क्या हमें अच्छा पता पड़ जाएगा कि हाँ ये पतला है कि गाढ़ा है, वैसे हमें भाजी पतली ही रखनी चाहिए, क्योंकि हम इसे जब सर्व करते हैं ना तो इसे हम गर्म करते हैं तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए भाजी थोड़ी सी पहले से पतली ही रखिए। तो देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं आप बिल्कुल हमारी भाजी जो है बनकर तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पर पाव बना लेते हैं, पाव के लिए सबसे पहले हमने पैन में तेल डाल दिया, उसके बाद ही हमारे पास पाव है, इसे हमें बीच में से कट करना है, तो इसे हम काट लेते हैं चाकू से। पाव बाज़ार में बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से कम रेट पे मिल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे हम धनिया डालेंगे इसमें तवे पर तेल में, क्योंकि उसका बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा।
और आपने मार्केट में देखा होगा जो पाव भाजी मिलती है, तो वो जिस तवे पे मतलब भाजी बनाते हैं उसी तवे पे पाव सेकते हैं, तो उनका जो भाजी का टेस्ट होता है वो पहले से ही उसमें आता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, तो हमने थोड़ी सी यहाँ पर भाजी ऐड कर ली अलग से, जिससे क्या है कि हमारे पाव में पहले से ही जो भाजी का अच्छा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाव को रखा और बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, नहीं तो क्या है हमारा पाव बिल्कुल जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पाव रख दिया है, उसके बाद इसे अच्छे से दबा दे, जो पूरी भाजी है उसने सोख ली है, तो उसके बाद इसे हम पलट देते हैं, अच्छे से सिक जाएगा है ना, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमने प्लेट बिल्कुल तैयार रख ली है और यहाँ पर तैयार है आपकी पाव भाजी की प्लेट, जिसमें हम सर्व करते हैं भाजी। नींबू रखिए, हरी मिर्ची रखिए और प्याज रखिए साथ में, और गर्मा गर्म भाजी सर्व करिए। एक बार ज़रूर बनाइए, टेस्ट करिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारी आज की पाव भाजी रेसिपी, ऊपर से धनिया सर्व ज़रूर करिए। तो लीजिए, तैयार है आपकी पाव भाजी रेसिपी। कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी रेसिपी, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।